नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डियाजारे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका मुझे धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि कल की जो हमारी KBC सीज़न 12 का कल का जो सवाल है, जो वीडियो है जो आपको ये दिख रही होगी, KBC 12 वाली, यहाँ से सेकेंड जो वीडियो दिख रही है आपको, KBC 12 सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के वेरियंट्स होते हैं, और इस प्रश्न की जो वीडियो है उसे कल से लेकर आज तक 1400 अभी तो 1500 से ज़्यादा लोगों ने देखे हैं। आप सबका जो हमें प्यार मिला है उसके लिए हम आपका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कल जो है हमें 150 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, मतलब कुल मिलाकर कल हमने 150 सब्सक्राइबर का आज ही जो है जो माइलस्टोन है, एक तरीके से छोटा सा माइलस्टोन, वो भी पूरा किया है। और इसके लिए भी है जो है हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मुकाम पर हमें पहुंचने के लिए कल की वीडियो को जो हमारे सब्सक्राइबर है और हमारे दोस्त भी बोल सकते हैं आसाम से, विशाल चक्रवर्ती जी, उन्होंने हमारी वीडियोस को कल शेयर किया, उसके लिए हम उनका भी थैंक यू अदा करना चाहेंगे। और दोस्तों, जिन्होंने भी उनके माध्यम से, उनकी शेयर की हुई लिंक से कल ये वीडियो देखे है या चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं कौन बनेगा करोड़पति का, जो आज सेकेंड लास्ट सवाल पूछा गया है 21 मई 2020 को रात 9 बजे। और ये सवाल क्या है हम अभी देखेंगे और उसका उत्तर भी इस वीडियो में देखेंगे। तो बनाए रहिएगा दोस्तों हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने अब तक वीडियो चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे जो प्रयास है उनको ज़्यादातर दर्शकों तक पहुँचाने के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। आप देख सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति का जो बैनर है सोनी लिव ऐप में, वो हमने ओपन किया हुआ है और हम अभी क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करके ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को खोल रहे हैं। दोस्तों, आपको पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह नॉइज आ सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अभी आपको स्क्रीन पर ये जो आज का सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आज है 21 मई 2020 और कल 22 मई 2020 को KBC सीजन 12 का आखिरी सवाल पूछा जाने वाला है। तो ये जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अंग्रेजी में है, विच ऑफ दिस इज मेड ऑफ बोन। ऑप्शन ए वॉलरस टस्क्स, ऑप्शन बी रिनो हॉर्न्स, ऑप्शन सी डियर एंटलर्स, ऑप्शन डी एलिफेंट टस्क्स। अगर हिंदी में इस सवाल को पूछा जाए तो हिंदी में यह सवाल है कि इनमें से क्या हड्डी से बना होता है। विकल्प ए वॉलरस के दांत, ऑप्शन बी या विकल्प बी गेंडे के सींग, विकल्प सी हिरन के सींगों की शाखाएं, और विकल्प डी हाथी के दांत या गजदंत। तो इसका जो सही अगर मायने में देखा जाए दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। कई सारे यूट्यूबर स्वयं गलत जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि हम जिस कुछ चैनल हमारे दोस्त भी है यूट्यूबर्स, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर उनके चैनल पर जो है इस प्रश्न का उत्तर भी सही दिया गया। हालांकि हमें ये प्रश्न जैसे ही हमने टीवी पर देखा तभी हमें इस प्रश्न का उत्तर मालूम था, किंतु हम, आपको पता है कि हम कोई भी जो आंसर है बिना प्रूफ का नहीं देते, और आप तक प्रूफ जो है, आप तक कोई भी एक प्रमाण जो है, जो ये हमारे उत्तर को सही ठहराने वाला, वो प्रमाण ठहराने में हमें थोड़ा सा समय लगा जो आप तक सामने लाने में, पर हमें वो प्रमाण भी मिल गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी डियर एंटलर्स, यानी कि हिरन के सींगों की जो शाखाएँ है दोस्तों, वह हड्डी से, मतलब बोन से बनी होती है। वॉलरस टस्क हड्डी से नहीं बनी होती। तो दोस्तों, हम श्योर है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डियर एंटलर्स। कुछ लोग ऑप्शन डी भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पर वो उत्तर गलत है, हाथी के दांत। मैं स्वयं टीचर हूँ, मैं स्वयं जो है हाथी के दांतों के ऊपर अपने, हमारे क्लास में मैं करीब 2 से 3 कविताएं अलग अलग क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ एलिफेंट के टस्क पर, और उनमें भी जो लेखक, जो कवि है, पोएट्स है, उन्होंने कहीं पे भी हाथी के दांतों में हड्डियों का जिक्र नहीं किया है। और करके मैं श्योर हूँ कि डी तो आंसर नहीं है, और ए और बी भी नहीं है, और सी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम आएंगे हमारे प्रमाण के तरफ कि हम क्या प्रमाण दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। दोस्तों, एंटलर का जो विकिपीडिया का पेज है वो हमने ओपन किया हुआ है, एंटलर मतलब सिंगों की शाखा है। तो
ये जो है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो बिल्कुल आपको पिक्चर में भी, ये जो विकीपीडिया पर विकीपीडिया के कॉपीराइट विकीपीडिया के इमेजेस हैं, पर हम CCA के कॉपीराइट लाइसेंस के अंतर्गत दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये बारह सिंगा या कोई मतलब जो रेड डियर जो है उसके सिंग आपको पिक्चर में दिख रही होंगी, ये भी एक रेड डियर है। उसके अलावा अगर आप एंटलर के बारे में अगर क्लियर कट अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी दिखेगी। वो कौन सी हम आपको दिखाना चाहते हैं, डायरेक्टली उसी टॉपिक पर लेके आते हैं कि जहाँ पे ये बोन का साफ साफ जिक्र किया गया है। दोस्तों पीछे थोड़ा सा नॉइस है आज, उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहता हूँ आपको। तो ये जो है आपके स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिखा है, एंटलर्स आर एक्सटेंशंस ऑफ एन एनिमल्स स्कल फाउंड इन मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली, मतलब कि फिर से हिरण के बारे में आया। और साफ लिखा है एंटलर्स आर ट्रू बोन एंड आर अ सिंगल स्ट्रक्चर। एंटलर्स जो है वो बिल्कुल पूरे ओरिजिनल हड्डी ही है और सिंगल स्ट्रक्चर है। और आगे भी है, दे आर जनरली फाउंड ओनली ऑन मेल्स विथ द एक्सेप्शन ऑफ द रेनडियर और कैरिबू। पर यहाँ शुरुआत में ये लिखा है कि एंटलर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एन एनिमल्स स्कल फाउंड इन मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली, मतलब हिरणों के परिवार में एंटलर्स जो है वो पाया जाता है उनके स्कल्स में, और एंटलर जो है वो ट्रू बोन से बनी होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना प्रमाण काफ़ी है कि हमारा जो उत्तर है वो सही है बताने के लिए। तो आप बिंदास ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं। हम स्वयं आपके सामने जो हम हमेशा बताते ही है कि जो है इस प्रश्न का उत्तर सी है। आपको सी जो डियर्स एंटलर्स है, डियर एंटलर्स उसे या फिर हिरन के सिंगों की शाखाएं जो है वहाँ पे आपको उस उत्तर को लॉक करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आप SMS के जरिए जवाब दे रहे हैं तो आपको KBC स्पेस ऑप्शन सी मतलब सी स्पेस आपकी 1 मई 2020 को जितनी उम्र पूरी हुई है वो उम्र स्पेस और आपका जेंडर, पुरुष होंगे तो M, महिला होंगे तो F और अन्य होंगे तो O, ये लिखकर 509093 इस नंबर पर SMS करना है। या फिर आप जो है सोनी लिव ऐप पर ऑप्शन सी जो है वो भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट का चार्ज लगेगा, डेटा शुल्क लगेगा बस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर से एक बार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा मतलब जो एक साथ इतने बड़े हैं उसके लिए, और कल जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है या फिर जिनों जिनों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या कमेंट किया है या शेयर किया है, ऐसे सभी दोस्तों को और जो विशाल चक्रवर्ती जी है उनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को और आगे की जो वीडियोज़ है उनको भी आपका ऐसा ही प्यार मिलते रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए कल के जैसा, और कमेंट कीजिए अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और अगर जब आप चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो ऊपर जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, कल की जो KBC का आखिरी सवाल रहेगा इस सीजन का उसके साथ। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।